हेलो गाइस, अनुभास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मैं नए नए वीडियो डालूं तो आप तक सीधा पहुंच सके। तो गाइस, आज मैं आपके सामने एक जो बहुत ही सुंदर फूल आप देख रहे हैं सामने, इस फूल के ये जो प्लांट है इसके विषय में आपसे बात करूँगी, पूरी जानकारी दूँगी कि इसे किस मीडिया में लगाना चाहिए और इसकी जो फर्टिलाइज़र है क्या डालना चाहिए, कैसे इसकी केयर करना चाहिए सर्दियों में। ये जो प्लांट है बहुत ही एक सुंदर प्लांट है और इसके फूल देखिए आप, मतलब धारणा नहीं कर सकते। ये जो फूल है देखने में बिल्कुल गुलाब के फूल जैसे या फिर गुड़हल के फूल जैसे है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं ये फूल और ये देखिए ये गुलाब के फूल, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा आपका फूल जो है सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों में से आप मतलब बता नहीं सकते कौन सा फूल आपको सुंदर लग रहा है। दोनों ही बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो लेकिन ये जो आपके गुलाब के फूल है, ये जो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये जो है बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, इसकी जो केयर है बहुत ही मतलब सावधानी से करनी पड़ती है, इसकी रख रखाव जो है और इसके जो मतलब मीडिया है वो भी डिफरेंट है। इसमें कांटे नहीं लगे होते हैं, लेकिन जो आपके ये रोज़ है, रोज़ में तो कांटे होते हैं और ये सुंदर फूल है, लेकिन इसे जो है आपके दो चार दिन के लिए फूल होता है, झड़ जाते हैं ये फूल। लेकिन ये जो फूल है आपके महीनों तक खिले रहते हैं, एक बार अगर खिल गया तो इसके जो मतलब फूल है महीनों तक खिले रहते हैं। और ये जो फूल है गाइस, थोड़ी शोर आ रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, हमारे यहाँ पे बच्चे हैं तो छुट्टी है, तो इस वजह से बच्चों की मतलब खेलने की आवाज़ आ रही है, धूप निकली हुई है इस वजह से। तो गाइस बताती हूँ आपको, ये जो फूल है आपका इसे कहते हैं एजेलिया। जो एजेलिया है आपका, इसकी जो आपके 10,000 से भी ज़्यादा इसके जो है स्पीसीज पाई जाती है हमारे मतलब पूरे उसमें, तो इसकी जो मतलब कुछ ही वैरायटी है जो हमारे मतलब इंडिया में पाए जाते हैं, जो उसमें बहुत ही कलर के इसमें और पेटल के भी होते हैं, लेकिन कुछ एक कलर जो है हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसमें रेड भी है आपके, वाइट भी है, पिंक भी है, येलो भी है, तो बहुत ही मुश्किल से ये कलर मिलते हैं। रेड तो आपको हर जगह मिल जाएंगे और इसमें भी सिंगल पेटल के भी होते हैं और डबल पेटल के भी पाए जाते हैं। जो ये प्लांट है आपका हमारे इंडिया का है, लेकिन ये जो है सर्दी इलाके ठंड इलाके से मतलब पाया जाता है ये जो प्लांट है आपका। ये एजेलिया जो है आपका, ये बंगाल के सिलीगुड़ी जो है आपका, वहाँ पाया जाता है सिलीगुड़ी में जो है, दार्जिलिंग के पास जो है, तो वहाँ तो पहाड़ होते हैं और ठंडा मौसम होता है, पहाड़ों में पाए जाते हैं ये जो प्लांट है आपके। तो इस वजह से जो ये प्लांट है बहुत ही मतलब नाजुक होता है और इसकी जो देखभाल है बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है। इसकी जो सॉइल मीडिया है तो उसके बारे में बात कर लेती हूँ। इसकी जो सॉइल मीडिया है आप मिट्टी में से ग्रो नहीं कर सकते, खाली मिट्टी में जैसे हम नॉर्मल और प्लांट्सों में लगाते हैं आपका रेत डाल के और मिट्टी है आपका और भी चीज़ें हैं जो करते हैं, लेकिन ये जो है प्लांट आपका बिल्कुल मतलब लाइट वेट का, ये देखिए मैं एक उंगली से उठा सकती इसको, तो लाइट वेट का है ये लगा हुआ है। तो मैं नर्सरी से लेके आई थी, तो देखिए इसकी जो मीडिया है ये देखिए, ये जो है लीफ, जो लीफ कंपोस्ट होते हैं, लीफ मोल्ड जो होते हैं या फिर मतलब आपका वो क्या पाया जाता है उसमें लगाया जाता है। और ये जो है बहुत ही मतलब इसके जो रूट्स होते हैं बिल्कुल बाल के तरह होते हैं, बहुत ही पतले पतले होते हैं, इसके जो है रूट मोटे मोटे नहीं होते जैसे दूसरे प्लांट्स के होते हैं, बहुत ही हल्के मतलब पतले पतले होते हैं। तो और इसकी जो मतलब प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स है आपकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, इसकी जो है ऊपर ऊपर फैलते रहते हैं, नीचे गहराई तक नहीं जाते जैसे और प्लांट्स होते हैं आपके गहराई में जाते हैं, तो इसकी जो मतलब प्लांट है गहराई में नहीं जाते हैं, पतले पतले ही होते हैं। तो इस वजह से जो इसकी जो मतलब मीडिया है, पत्तों का खाद देते हैं इसे, और जो है इसके जो खाद देने के बारे में हम इसे केमिकल खाद भी नहीं दे सकते हैं, बहुत ही नाजुक होता है और इसमें पानी की मात्रा जो है बहुत ही कम चाहिए होता है। अगर आप ज़्यादा पानी देते हो
तो ये प्लांट जो है मर जाता है। ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए इसको, और थोड़ा ही पानी देना चाहिए और देख के चेक करके, क्योंकि जो आपकी देखिए इसमें अभी मॉइस्चर बना हुआ है, तो इसमें पानी नहीं दूंगी, इसे मैं कल दूंगी, क्योंकि सर्दी का सीज़न है तो ये सर्दियों में इतना ग्रोथ करता है और सर्दियों में इसकी जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है। गर्मियों में ये प्लांट बहुत ही मुश्किल से, इसको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। बारिश का पानी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं गिरने देना चाहिए, और इसे जो है आप शेड में रखना। और जो धूप के बारे में बताती हूँ, तो ये जो धूप है आपके सर्दियों के धूप जो होते हैं, अगर आप मतलब 4-5 घंटे की धूप भी देते हो, हल्की धूप होती है सर्दियों की, 4-5 घंटे की धूप है, उससे भी इसकी मतलब ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद इसे जो है आप शेड में ही रखना रात को, क्योंकि ओस गिरते हैं और जो कोहरा होता है, कोहरे से भी इसके प्लांट है ना ख़राब होने लगता है। और गर्मियों में जो है, गर्मियों में आप इसे सुबह की 1-2 घंटे की धूप दे सकते हो, उसके बाद आप इसको शेड में रखना, क्योंकि ये ज़्यादा धूप जो है इसे पसंद नहीं है, और ज़्यादा धूप से भी ये मर जाता है, सूखने लगता है। तो इसे मतलब ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होता, इसे ब्राइट सनलाइट जो है उसमें रखना ठीक है। सुबह की 1-2 घंटे की धूप ये मतलब अच्छी इसकी मतलब वो है। और इसकी जो फ्रूटिंग है मतलब बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मतलब ग्रोथ करते हैं। इसमें देखे कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं, और मैं लेके आई थी उसमें 1 फूल खिले हुए थे, उसके बाद 2 फूल खिले हैं, तो कल ही बंदर आया था तो यहाँ और 1 फूल खिला हुआ था, देखिए यहाँ से, तो बंदर ने तोड़ दिया है, यहाँ से ख़राब कर दिया है। और इसके जो मतलब जो नोड़ी एरिया होती है वहीं से इसकी जो है फ्रूटिंग होती है। देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से भी बर्ड्स बने हुए हैं। तो इसे जो है मतलब जो आप केमिकल पेस्टिसाइड देते हैं वो नहीं देना है, इसे आप नीम ऑयल दे सकते हैं, और जो मतलब ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होते हैं इसमें पेस्ट भी बहुत लगते हैं, इसमें मतलब 15 दिन में एक बार इसकी जो है स्प्रे करना पड़ेगा पेस्टिसाइड, किसी भी पेस्ट आप ले लो या नीम ऑयल ले लो, सबसे बेस्ट है नीम ऑयल जो है, हम नीम ऑयल लेते हैं। तो इसकी जो मतलब पेस्ट से बचा के रखना है, और सर्दियों में इसको जो है सर्दियों में इसकी ग्रोथ होती है, तो सर्दियों में इसकी कटिंग लगा सकते हैं हम लोग सर्दियों के, या फिर बरसात के समय वो भी मतलब पानी कम रेत में लगा सकते हो। इसे आप शीट से भी ग्रो कर सकते हो, इसकी जो शीट्स बनती है, ये जो फूल बनते हैं ये इसी के अंदर ही इसके बीज बनते हैं, तो उसे लगा सकते हो, लेकिन बीज से बहुत ही मुश्किल से मतलब ग्रो करता है, इसके कटिंग से ग्रो करते हैं। तो मैं भी इसे कटिंग से ग्रो करने की कोशिश करूँगी, पहले प्लांट्स को अच्छी तरह से ग्रोथ होने दूँगी, उसके बाद इसको कटिंग से लगाऊँगी, तो आप लोगों से शेयर करूँगी। बात करती हूँ इसकी फर्टिलाइज़र की, तो इसकी फर्टिलाइज़र जो है इसको केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, इसको आप सबसे बेस्ट होता है जो लीफ कंपोस्ट होते हैं ना, लीफ कंपोस्ट की आप टी बनाकर दे सकते हो, या फिर जो सी बीड एक्सट्रैक्ट होते हैं या सी बीड मतलब ग्रैन्यूल्स होते हैं वो दे सकते हो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है इसके लिए, खाद जो होता है वो बेस्ट होता है, और ज़्यादा खाद की इसे ज़रूरत नहीं होती। जब इसकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है जिस सीज़न में, सर्दियों में ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है, तो सर्दियों में आप इसे मतलब जो सी बीड है और फिर लीफ कंपोस्ट है ये आप दे सकते हो, मतलब 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, बाकी तो आप जो साल भर है 3 महीने में एक बार भी मतलब दे दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि तब उसकी जो है डोरमेंसी पीरियड होते हैं गर्मियों में। सर्दियों का फ्लावर है ये, सर्दियों का प्लांट है, तो सर्दियों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो देखिए सीजन में भी जब मैं लेके आई थी तो मतलब हो गए मुझे भी 3 महीने हो गए, ये देखिए, तो मैंने जो है ये पॉट में लेके आई थी। तो ये जो ज़्यादातर नर्सरियों में आपके देते हैं ये जो है लीफ कंपोस्ट होते हैं, इसी में ये लगता है, और आप चाहे तो मतलब थोड़े से इसमें जो है सैंड भी मिला सकते हैं अगर चाहते हो तो, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो मैं अभी इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, ज़रूरत ही नहीं है मुझे, जिस टाइम मैं रिपोर्टिंग करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए इसमें ये जो है दूसरा, जब भी आप नर्सरी से लाओ तो उसकी जो ब्रांच है 2-3 ब्रांच हो उसमें, अगर ज़्यादा पानी पड़ता है ना तो पत्ते देखिए इसके ऐसे मतलब हो जाते हैं, इसके जो ये जलने लगते हैं, देखिए ये देखिए। तो गैस देखिए ये जो प्लांट है बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं, और बहुत ही हैवी क्वांटिटी में इसकी फ्लावरिंग होती है, तो इसमें मेरे भी खिले हुए थे, ये बंदर ने सारा
मतलब ख़राब कर दिया है। तो देख सकते हैं आप लोग कितने सुंदर कितने प्यारे फूल होते हैं ये। तो ये महीने भर के लिए खिले रहेंगे, ये भी गुलदावदी की तरह ही है, जैसे महीने भर खिले रहते हैं उसके फूल, इसके भी फूल महीनों भर खिले रहते हैं। तो गाइस देखिए ये सर्दियों का प्लांट है, तो आप इस टाइम जाके नर्सरी से लेके आ सकते हो। बहुत ही मतलब इसकी जो कीमत है हाइट के हिसाब से होते हैं, मैं इसे 350 में लेके आई थी। तो इसके जो मतलब हाइट जितनी जितना बड़ा होगा, जितना फैला मतलब ग्रोथ वाली होगी बुशी होगा, उतना आपके कीमत है 1200-1100-1000 इतने तक की भी आती है, बहुत महंगा होता है। तो आपको अगर पसंद है तो आप जाके लेके आ सकते हैं। तो ये गुलाब के कंपटीशन में मतलब सबसे नंबर वन है, इसके फूल जो है गुलाब की तरह ही लगते हैं लेकिन इसमें कांटे नहीं होते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल अनुभास गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।